One second, doctor. Yeah, tell me. How bad is the situation? चार बच्चे मर गए हैं। ये कैसी डिजीज है डॉक्टर? इसकी शुरुआत एक फीवर से हुई थी और उसके बाद हैवी वॉमिटिंग। सिम्टम्स के आधार पर देखा जाए तो ये वायरल मायोकार्डिटिस है। ये डेंजरस है। पर इसकी कोई तो दवा होगी? बड़ों को इस बीमारी का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बच्चों के लिए 80% रिस्की है। मैंने फार्मा कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया है। डॉक्टर एक मिनट। एक मिनट। एक रहस्य बताना है, किसी को बताइएगा मत। ये तुम कौन से रहस्य के बारे में बात कर रही हो? वो हमारी गायत्री दीदी है ना, आपको कैसी लगी? किस गायत्री के बारे में? ओह, आप कितनी गायत्री को जानते हैं? ओह, अच्छा वो छोटी बच्ची है? अरे वो बच्ची नहीं, बड़ी लड़की है भैया। ऐसा क्या? ठीक से समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बताकर कोई फायदा नहीं है, मैं चलती हूँ। तू बच जा, काम क्या बता। नहीं, आपको अगर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो बताकर क्या फायदा। जब ऐसी कोई बात नहीं है, पसंद है। तो बता क्या बात है। वैसे उस दिन वो यहाँ आई थी, वो अनऑफिशियल लड़की दिखाने का प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा, किसे? दिमाग मत खराब कीजिए। ये बात है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे लड़की दिखाएंगे। ओहो, अगर पसंद नहीं है तो बता दीजिए, मैं जाकर बताती हूँ कि भैया को पसंद नहीं है। रुक, कहाँ जा रही है? सर ये बताइए कि बात क्या है। अरे अभी तो आपने शादी के लिए इनकार कर दिया ना। मैंने ऐसा कहा का? मैंने तो कहा कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि लड़की आ रही है, बस यही तो कहा था। मतलब शादी नहीं करनी है ना। जरा सोच के अगर मैं शादी के लिए ना कह दूं और पिताजी के मन में है मेरी शादी करना, तो मेरे ना कहने से उनका दिल दुखेगा कि नहीं? उन्हें कितना दर्द होगा मैं समझ पा रही हूं। तो कोई भी सीधी बात नहीं कर सकती क्या? अगर यही बात है तो फिर मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। क्या कहा आपने? मेरा मतलब मैं विदेश में रहने वाला भारतीय हूँ, तो शादी से पहले लड़की के साथ डेटिंग करके कम से कम 2 साल तो होनी चाहिए। जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। वैसा यहाँ पर कुछ है क्या? हाँ, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं पापा से बात करती हूं। जब देखो तब बोलती रहती कि पिताजी को बता दूंगी। मेरे भैया के लिए सारथी की बहन को पापा अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन गायत्री दीदी तो आपको भी तो पसंद आनी चाहिए ना भैया। ओह, ऐसी भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ वैसे भी प्रॉब्लम है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि इस गायत्री दीदी को मैं पसंद हूँ या नहीं? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, मैं नहीं पूछूंगी, आप ही बात करो ना और उसे जान लो कि आप उसे पसंद है कि नहीं। अरे ये मेरा बर्थ प्लेस है, रिटायरमेंट के बाद मैं और सुब्बू यहीं पर रहेंगे। इस खेत के किनारे बने घर में रहकर क्या करेंगे आप? पूछ रहे हो क्या करूंगा? कृषि, फार्मिंग, यहाँ होगी फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और हमारे पैदा किए हुए फ्रेश वेजिटेबल्स। 100% हेल्दी एंड पीसफुल रिटायरमेंट। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपके रिटायरमेंट में भी 5 साल है, उसके बाद फैसला करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है सूर्या, इस पुराने घर को रेनोवेट करने का इंतजाम भी कर दिया है। अरे यही तो हमारा प्लान है, लेकिन ये सब कैसे पूरा होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। सही कह रहा हूँ ना बेटी? सही कहा। वैसे ये जगह कैसी है? कमाल की है अंकल, ऐसी जगह पर रहना ही पसंद करती हूँ मैं सच में। इसे तो गाँव का माहौल बहुत पसंद है, खेती बाड़ी और पौधों की देखभाल करेगी, तो इसे हमारी बेटी समझकर हमें दे दीजिए। ले लीजिए, हमें तो खुशी होगी। चलो आ जाओ बेटी, घर दिखाता हूं। तो तूने फैसला कर ही लिया? क्या फैसला? बेटी समझकर दे दीजिए। चुप कर बेवकूफ, बेटी समझकर दे दीजिए। मेरी माँ की इच्छा है कि उसके बेटे की बहू कुछ इसी तरह की हो। हाँ। देख मैं सच कहूँ तो इस बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकता, पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की हमारी फैमिली की टाइप की बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अच्छी बात नहीं बोल सकता कुछ। वैसे आप तो भैया गायत्री के मन की बात जानना चाहते हैं ना, लेकिन जानेंगे कैसे? देखा जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में जाने से पता चला कि वो जल्दी पटने वाली नहीं है, वो थोड़ी रिजर्व टाइप की है। आप भी ना भैया, एक लड़की को जानने के लिए उसके दिल में क्या है ये जानना होता है। मतलब कि तुझे खेतों में काम करना पड़ेगा है? अरे गायत्री को खेती करना बहुत पसंद है यार।
अरे तुम जा रहे हो क्या? पापा भैया कब से आपका इंतजार कर रहे हैं? आज सूर्या जा रहा है ना, हाफ डे ले लीजिए। अरे तो क्या हुआ, मैं वक्त पर आ तो गया, क्यों सूर्या? बात वो, अरे सुबू मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पापा आप दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी छोड़कर ये सोशल सर्विस करना जरूरी है क्या? तुम ये सब चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जा बेटा, अपना ख्याल। चलता हूँ। ठीक है बेटा। एक मिनट सुनिए, कुछ खाकर तो जाइए। क्या खाना? बाद में खाता हूँ। हाँ शरीर के टुकड़े होकर मम्मा है। इसके पीछे टेररिस्ट का क्या हुआ? जल्दी आओ ना, जी का कहना है। इस बारे में पूछताछ की क्या हुआ? बनाई जाएगी। देखो एसपी अंकल, ईमानदार अधिकारी साथी की मौत पर हमें बहुत दुख हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। हे भगवान, सुन बेटा, तेरे पिताजी इन्हीं से मिलने गए थे। क्या कह रही हो मम्मा? और हमारे संवाददाता से जानते हैं कि वहाँ क्या। सुन अपने पापा का फोन कर। हाँ माँ, वही तो कर रही हूँ ना। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है माँ। हे भगवान, अब अच्छे से अजमल से बात कर। क्या हुआ? नहीं उठाया उसने। हेलो अजमल। क्या? अभी टीवी पर देखा, पापा इस पिंगल से मिलने गए थे लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैंने उन्हें देखा था। कब? बस 5 मिनट पहले, वो यहाँ अंकल से मिलने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं बता ना। अजमल ने उन्हें 5 मिनट पहले ही देखा था, वो इधर ही आ रहे हैं। ये किसने किया, कोई खबर मिली क्या? ये टेररिस्ट अटैक है, ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर टीवी वालों से कह रहे थे। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन पहले तो सामने था। पता नहीं भैया, ये सब सुनने के बाद मुझे भी बहुत डर लग रहा है। गायत्री, पापा आने के बाद हम उसे मिलने जा रहे हैं। ये अच्छी बात। अजमल कहाँ? वो किसी से मिलने गया है, वहां से ही वो एसपी अंकल के घर आ रहा है। लगता है पापा आ गए।
हेलो अजमल। हाँ बोलो सुब्बू। हेलो हेलो। अरे कुछ बोल ना। ये क्या हो रहा है? ए सूर्या, सूर्या, सुब्बू, क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? सूर्या, हेलो। तुम कुछ बोलते नहीं, कौन हो तुम? हटो।